अरे हमें आज मिले हुए 3 महीने हो गए, तो बताओ क्या प्लान है, क्या करना है, कहाँ जाना है, बताओ तुम हमारी 3 मंथ्स एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करना चाहोगी? हर बार हम ही क्यों डिसाइड करें कैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है? कभी आप ही तो प्लान कर सकते हो ना रोहन पटेल, सिर्फ हमारी 3 महीने की एनिवर्सरी नहीं है, आपकी भी है। अरे पर रो क्या हो गया, मैंने कुछ कर Just because I'm flatmates, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी हमारे रूम में एंटर कर सकते हो। Boundaries नाम की भी कोई चीज़ होती है, नए-नए सीखे। पर रूम। इसे क्या हो गया? बेबी की जगह नाम से बुला रही है। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था आज करना क्या है। घर में गुस्सा कर रही है। मेरी 3 सिस्टर्स का एक्सपीरियंस कहता है, जब भी लड़की बेकार में गुस्सा करे तो उसके 2 ही मतलब होते हैं। तो उसे भूख लग रही है ना तो शी इज पीएमएसिंग। आई नो यू आर पीएमएसिंग, पर जब सैम इज हियर देन नो फियर। तुझे हमेशा मेरे पीरियड याद रहते हैं, तो कितना क्यूट है। याद कैसे नहीं रहेंगे, बचपन से लेके आज तक मैं ही तो तेरे लिए पैड्स खरीदता आया हूं। वो तो है, तुझे याद है मेरे फर्स्ट पीरियड, मैं कितना फ्रीक आउट हो गई थी ब्लड देखकर। तूने और रोहन ने मेरा कितना ख्याल रखा था। From your first period to your last, I'll be there for you. It's pretty cute कि तू लड़कियों में interested ना होकर भी उनमें interested है। I mean रोहन का समझ आता है, लेकिन Excuse me, interested कैसे नहीं होऊंगा? Practically मैं तेरे और रोहन की 3 बहनों के साथ बड़ा हुआ हूँ। अरे हाँ, तू तो रोहन के साथ जाता भी था ना उसके बहनों के लिए पैड्स लाने। और नहीं तो? और इसी एक्सपीरियंस से तुझे रियलाइज करा दिया कि इन दिनों में दुनिया की आधी जनता यानी कि हम औरतों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो तू कुछ भी बोले, I'm proud of you. दुबारा बोल, सुनाई नहीं दिया यार, बोल ना। भाग तो ये बता, तू जो इतना पीरियड के बारे में ज्ञान दे रहा है, तू मेरे इस बार के पैड्स लाया कि नहीं? नहीं लाया। आउच, ऑर्डर किए पागल, ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट बाय ऑल रोहन सिस्टर्स तेरे लिए। वाओ कितना क्यूट पैकेट है। सॉथियम, ये नेचुरल पैड्स है, ये बनाना फाइबर से बने हैं। इसमें 2 डे बेसिस, 2 डे इंसर्ट, 1 नाइट बेस, 1 नाइट इंसर्ट और वेट बैग है। सबसे पहले रोहन की बड़ी बहन ने यूज करना शुरू किया था, अब सारी करती है। और पता है क्या, कुछ लड़कियां तो ये भी कहती है उनके क्रैम्प्स काफी हद तक ठीक हुए हैं इसकी वजह से। शायद इसमें बनाना फाइबर है ना इसलिए। कुछ भी, पैड से कभी क्रैम्प्स कम होते हैं? रिसर्च चल रही है और मैंने खुद ने खरीदने से पहले बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी। कुछ लड़कियों के क्रैम्प्स तो एकदम सही हो जाते हैं और कुछ थोड़े महीने के बाद बेटर फील करने लगती है। कुछ बनाना फाइबर का सीन है, तू ट्राई कर और बता ना। क्यूट तो बहुत है। अब से तू सॉक्यम पैड्स यूज करना, रोहन ने भी रोकले मंगवा लिए। ठीक है। एक बाइट देना। बक। प्लीज यार दे देना एक बाइट। अच्छा ठीक है, ठूस ले ले। बहुत अच्छी यार। हमने कहा ना दफा हो जाइए यहाँ से। सॉरी, मैं दफा होने वाले बॉयफ्रेंड्स में से नहीं हूँ। ऑब्वियसली यू आर नॉट फीलिंग वेल, पर तुझे जो भी हो रहा है तू मुझे बता सकती है यार। पेट में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, पीरियड्स है। हाय राम, लड़कों के मुंह से पी वर्ड सही नहीं है, शर्म नहीं आती क्या? निकलिए यहाँ से। पर रो तो वैसे ही हमारे पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर से आप बहुत तंग कर रहे हैं। मैं तुझे तंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तेरा ख्याल रखना चाहता हूँ, तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, दैट्स इट रो। हम जहाँ से आते हैं वहाँ पी से पी वर्ड कोई बोलता तक नहीं है, कोई नहीं बात करता इस बारे में घर में। बचपन से ही सिखाया गया किसी को पता मत लगने दो, लड़कों को तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में कोई पैडमैन फिल्म भी देखने नहीं गया था क्योंकि उसमें पैड वर्ड था। What? देखिए आई नो आप बहुत स्वीट से हैंडल कर रहे हैं, बट हम इस बारे में बात नहीं कर पाएंगे, अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है? बता कहाँ चलना है, शॉपिंग मॉल चले या मूवी देखने? थोड़ी देर रुकना पड़ेगा यार, वो अमन आ रहा है। कौन अमन? ओ तेरे कल रात वाला बूटी कॉल। हाँ यार, मैंने उसे कल भी कहा था कि मुझे ना रिलेशनशिप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं वो बात करना चाहते हैं। आई मीन किसी को क्लोजर की जरूरत हो ना दे देना चाहिए। तू क्यों कर रही है ऐसा? तू क्यों वेट कर रहा है उसके लिए जो तुझे आई लव यू बोल के हर बार गायब हो जाता है? पता नहीं मुझे क्या हो गया है, ऐसा लगता है उसने मेरी ड्रिंक बना के मुझे कंज्यूम कर लिया। नाउ आई लिव इनसाइड हिम, अब चाहे वो मुझे कैसे भी ट्रीट कर ले, आई एम हिज एंड ही इज माइन, आई लव हिम। और मुझे पता है वो भी मुझसे प्यार करता है, पर पता नहीं ऐसे रिएक्ट क्यों करता है वो। आई नो ही इज बेटर देन दिस, स्टॉप फोर्सिंग दैट मैन टू बी बेटर, इंस्टेड फाइंड अ बेटर मैन। पता है, एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट इज आई विल बी हर्ट व्हेदर आई चूज टू स्टे और लीव।
तुझे पता है जब मैं सैड होती हूँ तो हम लोग क्या करते? नहीं 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 यार, मेरा मन नहीं है बिल्कुल, नहीं यार। ये सब की क्या जरूरत है? अच्छा, ये सब कुछ नेचुरल है, हर लड़की को होता है, मतलब दुनिया की आधी जनता को, और हमें ना इस बारे में बात करनी चाहिए। यार जस्ट पीरियड्स, नहीं कर सकते बात, हमें नहीं करनी है, मैं अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। रो, हाय राम। अरे रो, रिलैक्स, थोड़ा सा ब्लड ही तो है यार। सॉरी। क्यों सॉरी? It was nice meeting you, but not again. मुझे relationship नहीं चाहिए. I told you this before, remember? और मैं pray करूँगी आपको एक बहुत अच्छी लड़की मिले, जो आपसे बहुत प्यार करे. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तूने अपने cheating ex के साथ 2 साल तक कुछ नहीं किया. तू physical relationship हमेशा शादी के बाद करना चाहती थी, और जब उसने cheating कर ली, तो तू दुनिया के सारे लड़कों के साथ physical हो रही है. क्यों? हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग शादी के बाद तक वेट करेंगे, पर जब वो पकड़ा गया ना तो चौड़े से बोला इट वाज जस्ट फिजिकल. मैं भी देखना चाहती थी यार, ऐसा क्या है फिजिकल में कि लोग चीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो क्या पता चला कि अगर सच्चा प्यार ना हो ना तो सब खोखला है. यू फील इवन मोर लोनली. तो क्यों कर रही है तू? क्यों गौरव के पीछे आज ही पागल है? मोरल ऑफ द स्टोरी की हम सब प्यार में प्यार के धोखे की वजह से ही पागल है. अच्छा, तो मैंने गौरव से बात करना बंद कर दी तो तू ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होना बंद हो जाएगी? समझ नहीं रहे हैं, इन दिनों हमारे घर में अलग खाते हैं, अलग सोते, किचन में नहीं जाते, मंदिर भी नहीं जाते, इन दिनों हमारे घर में अलग ही रूल्स रहते हैं. हाय राम, अगर हमारे घर में पता चल गया तो हम तो गए काम से. अम्मा बहुत गुस्सा होंगी, हमें नहीं करनी इस बारे में बात. अच्छा बताओ, तुम अंदर कैसे बैठी हो? ये कौन सा बकवास है सवाल है? बताओ तो. दरवाजे पे टेक लगा के. अच्छा, दरवाजे पर अपना हाथ रखना. रखो तो. दुनिया का क्या कुछ भी कहे, I am with you. तू ही है मेरे लिए. यार प्लीज फोन दे दे, कितने दिन बाद फोन किया उसे, प्लीज. नहीं दूंगी यार मैं. तू रुक, फोन दे मेरा. श्रुति फोन देना यार, फोन दे मेरा प्लीज. और तो उसके लिए जमीन पे भेजा, वो जब तेरे लाइफ में आना चाहे आ जाए, वो जब तेरे लाइफ से चला जाना चाहे चला जाए. पर तू अभी तो मुझे समझा रहा था. तू सही थी, प्यार में सब पागल है. मैं गलत बोल रही थी यार. तू रुक, तू रुक. नहीं सुधी फोन दे दे. नहीं 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 नहीं. हेलो, आप इस नंबर से संपर्क करना चाहते हो? उस नंबर की सारी लाइनें फिलहाल बंद है. हेलो 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 गौरव, गौरव कृपया करके आप प्रयास करो और वापस कभी फोन ना कर पाए. पता है मेरी 3 सिस्टर्स है, 7 साल की उम्र से मुझे केमिस्ट पर भेजा जा रहा है पैच खरीदने. पहले तो मुझे ही नहीं अच्छा लगता था, गुस्सा आता था, सब लोग वियर्डली देखते थे कि एक लड़का होकर पैच खरीदने आया है. बट आई एम ग्लैड मेरी मम्मा और तीनों बहनों ने मुझे शुरू से पीरियड्स की नॉलेज दी. मेरी 3 सिस्टर्स तीनों पीरियड्स में एकदम अलग फील करती है. बड़ी वाली दीदी का पेट दर्द होता है, दूसरी वाली चिड़चिड़ करती है, तीसरी वाली से बात करो तो सीधा मुंह पे चप्पल. और श्रुति तीनों बहनों का कॉम्बिनेशन है. एक चीज ना मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर ली, इन दिनों अपनी बहनों या किसी भी और लड़की के साथ सिर्फ काइंडनेस से पेश आने की जरूरत है. लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता. जब तक तुम जैसी लड़की अपने पीरियड्स को ओन ही नहीं करोगे, तब तक हम जैसे लड़के हेल्प कैसे कर पाएंगे? नहीं ए, ए, फोन दे श्रुति, फोन दे श्रुति. ले निकाल ले अब फोन. मेरा फोन दे दे प्लीज. मुझे पता है यार, मैं ये सब तेरे अच्छे के लिए कर रही हूँ. मैं नहीं चाहती तो हम लड़कियों के पीरियड्स के लिए आप यूज़ करें. लेट मी ब्लीड प्लीज, लेट मी ब्लीड प्लीज, दे दे मेरा फोन प्लीज.
एक बार बात करूंगा बस। फाइन, स्पीकर पे रख के बात कर। हाय। हेलो। आई मिस यू। आई मिस यू टू। आप सही कह रहे हैं, पर किसी ने बिना पीरियड्स के बारे में इस तरह कभी समझाया नहीं। हमारे घर में तो तुम फिलहाल अपने घर में नहीं हो, और अपने घर पे भी तुम इस बारे में तभी बात कर पाओगी जब खुद इस बात से नहीं शर्माओगी कि तुम्हें पीरियड्स है। So own it. या सिर्फ या नहीं, से इट, पीरियड्स है। पीरियड्स है। पीरियड्स है। पीरियड्स है। लेट्स गो। और थोड़ा क्रेडिट कंटेंट का कीड़ा के चैनल को भी मिलना चाहिए, मैंने काफी कुछ सीखा है उनकी शॉर्ट फिल्म से। आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो ना। तुम लोग के 3 महीने की एनिवर्सरी हो गई है तो मैं अंदर आके बैठ जाऊं? प्लीज बैठो। तुम लोग के हर एक डेट पर ना हम लोग घर से बाहर नहीं निकला करेंगे, ओके? प्लीज फाइंड अनदर वे गाइस। तेरे पीरियड्स हो रहे हैं, मेरे होने वाले नेक्स्ट मंथ से फुल सिंक हो जाएंगे। पीरियड्स है। इसको क्या हुआ, फर्स्ट टाइम है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ समझ ले। लेकिन सैम का है? अरे आज उस गौरव ने उसको फाइनली फोन कर मिलने के लिए बुलाया, और वो उसके पीछे ओड़ा के कुत्ते की तरह चला गया। और वो तो सैम को बुरी तरह ट्रीट करते हैं। देखिए इस गांव के मुल्की तक को समझ में आ रहा है, लेकिन उस सैम को नहीं। गांव के नहीं है हम, बी टाउन कानपुर, 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। हमारे नवी मार्केट के सामने ना आपका कोलाबा फीका है फीका। और हमारे कानपुर के छोड़िए, आपके मुंबई की बात करते हैं, कबूतर खाने जैसे घर हैं, खाने के नाम पे ये पाओ वो पाओ, चलने की जगह नहीं, कोई किसी के लिए रुकता नहीं, चीजें महंगी और लोग सस्ते। सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा भड़ासा निकालने का मन कर रहा था तो आप लोगों के ऊपर निकल गए। आप लोग तो अपने ही है ना? अपने हैं। आई एम सॉरी सर, वैनिश होने के लिए सैम। सच तो ये, आई हैव स्टार्ट टू लाइक यू अ लॉट, और मैं फ्रीक आउट हो गया सैम। फ्रीक आउट तो मैं भी हो रहा हूँ गौरव, पता नहीं तेरे मेरे बीच है क्या, या पता नहीं मुझे तेरे कौन से कर्जे देने। तेरा जब मन करता तू प्यार से बात करता है, तेरा जब मन करता तू फोन उठाना बंद कर देता है। तू चाहता क्या है यार? I want to be with you, Sam. मैंने भी तुझसे झूठ बोला। मुझे कैजुअल नहीं चाहिए गौरव, मुझे तेरा प्यार चाहिए। मुझे वन नाइट स्टैंड नहीं, मुझे एवरी मॉर्निंग तेरा साथ चाहिए। मुझे डेट्स चाहिए, मुझे तेरे साथ वॉक पे जाना है, शॉपिंग करनी है, डांस करना है, खाना भी बनाना है। रोहन और रो वाला प्यार चाहिए। तुझे क्या चाहिए? क्या है ना, एक्चुअली हर रोज रोहन हमारे लिए बाहर कार लेके खड़े होते हैं, तो हमने सोचा आज हम करते हैं। पेट लगा ले, आज वो कमरे के बाहर नहीं होगा। और लोग कितना भी बोल ले कि मेन डोंट क्राई, बट रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो किसी को भी रुला सकता है। रुलाना है ही क्यों रोहन को? द ओनली मेमोरी ऑफ रोहन विद हिज फादर इज मेन डोंट क्राई, सो रोहन नेवर क्राइड। रोहन के सैडनेस का इमोशन का बटन टूटा हुआ है, हमें उसे रुलाना होगा। क्राई क्राई क्राई। Men should cry, women should cry, kids should cry, everyone should cry, यार। ज़मीन पर लेट जाओ और रो डालो। हमें पता था आप हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए हमारे पास कोई है जो आपको ये बात अच्छे से समझा सकता है। आज से अपने पैड्स खुद ऑर्डर कर लिया करो, आराम से ऑनलाइन मिल जाते हैं। इतने क्यूट एंड कलरफुल, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स इको फ्रेंडली विद नो केमिकल्स, सेफ सौख्यम पैड्स। हाँ, हमारे कंटेंट का कीड़ा की टीम की गर्ल्स यही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें बनाना फाइबर है, और बहुत सारी गर्ल्स का तो यही एक्सपीरियंस है कि दीज पैड्स हैव हेल्प देम विद देयर क्रैम्प्स। लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
और अभी भी तू ही मेरे पैड्स ऑर्डर करेगा। सॉक्यम पैड्स अगर यूज करोगे तो हर महीने ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं, 3 से 4 साल तक यही एक सेट तुम्हारा साथ देगा। अरे वाह दोस्त हो तो ऐसा। गो ऑर्डर नाउ। तू ही आशिकी है।